स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें फंक्शन दिया है हमें √(1+x²/9dx)। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट लिखा है उसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। तो क्या करेंगे, 9 लिया हमने LCM, तो ये हो जाएगा 9+x² और यहाँ होगा dx। स्क्वायर रूट के बाहर अगर इसे लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा और यहाँ आएगा x²+3² और ये dx। और एक चीज़ आप लगाना भूल गए, यहाँ रूट भी आएगा। तो अब ये हमारा फॉर्मूला हमें दिखाई देता है यहाँ पर, इंटीग्रेशन x²+a² dx जो होता है 1/3 तो चलेगा साथ में, और ये होगा 1/2 x, x की जगह x ही आएगा, और √(x²+a² मीन्स x²+9 होगा, प्लस a² / 2 a² मीन्स 3² 9 होगा / 2, और log mod x+a² मीन्स x²+9, और ये हो जाएगा mod x plus √(x²+9) और ये प्लस c। अब अगर यहाँ कुछ चेंज करना चाहते हो तो ये 1/3 साथ में था, ये 1/3 आएगा दोनों के लिए, तो ये 1/6 यानी कि x/6 हो गया, और ये √(x²+9) और यहाँ पर 1/3 आएगा, 3 से 3 टाइम कैंसिल यानी कि 3/2 log mod x+√(x²+9+c) यही आपका होगा इंटीग्रेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन ऑप्शनल है, दिया है 1+x²dx। तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है फॉर्म में है, x²+a² वाले फॉर्म में है 1² dx। तो ये फॉर्मूला भी आप पहले से देख चुके हैं, इंटीग्रेशन √(x²+a² = x/2 √(x²+a² और +a²/2 log mod x+√(x²+a² और ये कांस्टेंट c इस फॉर्म में है। तो लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन x/2 यानी कि x ही यूज होगा इसकी जगह, और √(x²+a² की जगह x²+1 हो जाएगा, a²/2 मीन्स 1/2 log mod x, x की जगह x यूज होगा, प्लस ये x²+1 बिल्कुल आसान था, और प्लस c। अब देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता है इससे, x/√(1+x²) √(1+x²) तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा इसके लिए, ये ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। देखते हैं 11th लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, √(x²-8x+7) तो इसको थोड़ा अरेंज करके तब लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन है आपके लिए, √(x²-8x+7) और dx। तो इसको हमें बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये x²-8x+7 इसे जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे
तो ये ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए की जगह एक्स, बी की जगह क्या लाएं जो एट एक्स हो जाए, तो फोर, तो फोर का स्क्वायर ऐड और फोर का स्क्वायर माइनस और प्लस ये सेवन, तो ये आपके लिए हुआ एक्स माइनस फोर का स्क्वायर, और ये माइनस सिक्सटीन से सेवन जाएंगे तो माइनस का नाइन। इसे आप फिर से लिखोगे एक्स माइनस फोर का स्क्वायर और नाइन होगा थ्री का स्क्वायर, तो इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर द स्क्वायर माइनस थ्री द स्क्वायर और डी एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला आपके लिए आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सिंस इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कॉन्स्टेंट सी। तो ये इसी फॉर्मूले में है, तो एक्स अपॉन टू एक्स की जगह है एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर अपॉन टू, आगे है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बताया जब सॉल्व करोगे तो यही आता है, तो काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, इसे शॉर्ट करते हैं थोड़ा। एट एक्स प्लस सेवन माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह थ्री, तो ये नाइन स्क्वायर हो गया, तो थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन टू और लॉग, थोड़ा नीचे लिख लेते मॉड एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस फोर प्लस, ये सॉल्व होके यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन और मॉड क्लोज प्लस सी। अब देखते हैं आंसर आपका कौन सा इसमें टैली करता है, एक्स माइनस फोर अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन माइनस नाइन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस फोर प्लस, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। थैंक यू, नोट इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।